हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी एक्सरसाइज 12.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ये सारे डायग्राम एक ही हैं। ओ एक चतुर्थांश दे रखा है, ओ पी फिर बी क्यू, ठीक है। ये पूरा एक चतुर्थांश दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, तो ओ ए बी सी ये रहा वो वर्ग, ठीक है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर, ये लंबाई 20 दे रखी है, तो ये भी 20 होना चाहिए क्योंकि ये एक वर्ग है। ये भी 20 और ये भी 20, तो चारों के चारों जो भुजाएं हैं वो 20-20 होगी क्योंकि एक वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो छायांकित भाग है वो ये है, ये पूरा जो ब्लू कलर से किया है ये पूरा आपका छायांकित भाग है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है बड़ा हिस्सा क्या है? बड़ा हिस्सा, ये जो बड़ा हिस्सा है ये है चतुर्थांश। तो अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है, इस वर्ग के क्षेत्रफल को अगर काट के फेंक दें, माइनस कर दें, घटा दें, तो ही हमें ये वाला जो हिस्सा है ये मिलेगा, जो छायांकित वाला भाग है। तो चतुर्थांश के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 πr², ठीक है। और दूसरा क्या है, किसको काट के फेंकना है? वर्ग को, जिसका फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। तो जो चतुर्थांश है वो एक्चुअली क्या होता है, एक जो वृत्त होता है, अगर हम उसके चार हिस्से कर दें तो उसमें जो एक हिस्सा होता है उसी को कहते हैं चतुर्थांश। ये हमारा चतुर्थांश है। इसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी को इसको कहते हैं त्रिज्या, या तुम इसको भी कह सकते हो त्रिज्या। तो चतुर्थांश का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए उसकी त्रिज्या का पता होना जरूरी है। तो जरा ये डायग्राम देखो, कोई सा भी डायग्राम देख सकते हो। यहां से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, ये आर है, या इसको भी आर कह सकते हो, या यहां से यहां तक इसको भी आर कह सकते हो। तो आर हमें पता नहीं है, तो पहला काम हमारा होगा हम इस आर को निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि अब जो नीचे वाला डायग्राम है उसको यूज करके समझाता हूं। तो जरा देखो कि ये हिस्सा आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है यहां तक, और यहां से यहां तक भी ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको त्रिज्या कहते हैं। तो हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसको मैं अगर यहां पर बनाकर समझाऊं आपको इस तरीके से, तो ये है ओ, ये है ए, ये आपको 20 दे रखा है, ये है बी, ये भी आपको 20 दे रखा है, और इसको नहीं दे रखा है तो इसको हमने एच नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, और इसको हम एच नाम दे देते हैं। तीनों भुजाओं को हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगाते हैं। वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। तो एच स्क्वायर बराबर जो बी है, ये तो है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एच नहीं है, इसको एस ले लिया हमने, इसको पी लिख लेते हैं यहां पर, नहीं तो एक जैसा हो जाएगा ना पी। तो पी हमारे पास क्या है, 20 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये भी हमारे पास 400 हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते, मैं इन दोनों को ऐसे भी लिख सकता हूं 400 × 2, बात एक ही है, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं 400 × 2, क्योंकि 400 × 2 भी आपका 800 ही तो होता है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि जब स्क्वायर को वहां भेजते हैं तो यह वर्गमूल बन जाता है, ठीक हो गया। 400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये 20 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो दूरी है ये आ गई 20√2,
जिसको कि हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो हमारे पास त्रिज्या निकलकर आ चुकी है, ठीक हो गया। फिर से आप देख लें कि अब हमारे पास इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो है 20√2 और उसकी जो भुजा है वो है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या और भुजा आ गई हमारे पास। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैसे निकालना है। हम यहां लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, 1/4 πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो ये हमारे पास 1/4 × π का मान 3.14 रखने के लिए तो नहीं कहा है, देख लेते हैं। हाँ कहा है, तो इसकी जगह हम 3.14 रख लेते हैं, ठीक। और इस r की जगह मैं ऊपर बता चुका हूं r कितना आ रहा हमारा, 20√2 है, तो दो बार लिख लेते हैं 20√2 20√2। ये जो a है ये है 20 और दूसरा a भी क्या है आपका, 20 है। अब इसको काट लेते हैं, जहां कट रहा 4 × 4 4 5 20। तो हमारे पास बचा 3.14 × 5 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया, 100। √2 को √2 से किया तो आ गया 2। यहां पर 20 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया, 400। अगर ये दशमलव यहां से हटा दूं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा। 2 को 314 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 628 और यहां पर है 400। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 228 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है कि हमें जो ये छायांकित भाग निकालना था इसका क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।